Thurston and Gardner, what you will find, the common thing you will find, सबसे पहली बात एबिलिटी, दोनों ही डिनाई नहीं कर रहे दैट देयर आर एबिलिटी, राइट, एबिलिटीज होती हैं। दूसरी बात कि दोनों ही इस बात पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी कभी आप में मल्टीपल एबिलिटी या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, दोनों ने इस बात को माना है भाई। थर्स्टन भी मान रहा है, एक कह रहा है मल्टीपल एबिलिटी होती है, दूसरा कह रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। इसके दौरान जहां थर्स्टन ने, यहां पे मैं डिफरेंसेस कर दूं, जहां थर्स्टन ने स्टैट्स का इस्तेमाल किया है, वहीं गार्डनर ने वर्बल और मैथमेटिकल, इन दोनों के लिए तो स्टैट्स का इस्तेमाल किया है, बाकी किसी के लिए भी स्टैट्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी दोनों का ही काम इंपीरिकल है, यानी ऑब्जर्वेशन पे, ध्यान रखना। गार्डनर ने भी वर्बल और मैथमेटिकल के लिए स्टैट्स का इस्तेमाल किया था, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया था और वहां पे कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट से आए हुए डेटा में कुछ का इस्तेमाल किया और बाकी के लिए कहा कि अब ये यूजफुल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि जो सात मेंटल एबिलिटीज थी इन द केस ऑफ थर्स्टन, वही सात मल्टीपल इंटेलिजेंस बनी इन केस ऑफ गार्डनर। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियोरी है वो कुछ लोगों पे तो लागू होती है लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं देखी जाती। ऐसा बहुत सारे लोग जो कि क्रिटिसाइज करते हैं गार्डनर को, वो मानते हैं। दूसरी बात, गार्डनर ने इस थियोरी को इसलिए दिया ताकि ताकि ये कहा जाए, क्या कहा जाए, बड़ी बात तो ये है कि ये कहा जाए दैट एवरी वन is intelligent। अब क्योंकि वो कहना चाहते थे कि हर कोई इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने इस इंटेलिजेंस के फंडे को दिया, बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू से दैट इवन वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एंड दीज इंटेलिजेंसेस, और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं, यही हैं जो किसी व्यक्ति को ये एहसास कराती हैं कि वो कुछ भी काम कर सकता है या कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि थर्स्टन ने काम को जहाँ छोड़ा था क्योंकि साइकोमेट्रिशियन थे, उस साइकोमेट्रिक वर्क को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं हॉवर्ड गार्डनर ने किया, स्टैट्स को कम कर दिया और अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया।